हेलो गाइस, माय नेम इज तरुण कुमार। और दोस्तों, आज मैं आपको इस लेक्चर में सिखाने जा रहा हूँ क्वांटिटी सर्वे। इसकी मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी, जिसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर आप मेरे को क्वांटिटी सर्वे का लेक्चर भी बनाइए, वीडियोस बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैंने सोचा इसी टॉपिक को मैं आपके लिए क्वांटिटी सर्वे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसमें मैं लेक्चर बाई लेक्चर आपकी छोटी से छोटी मिस्टेक को कंप्लीट करूँगा। ओके, और दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। और इसको आप वीडियो को आगे पीछे करोगे तो इससे आपको जो मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा आपसे, आपको इसमें प्रॉब्लम होंगी। ओके, चलिए दोस्तों मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वांटिटी सर्वे। तो दोस्तों इसमें हम सीखने जा रहे हैं आज हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ स्टील वेट। तो दोस्तों हम इसमें निकालेंगे हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ स्टील वेट। ओके दोस्तों, स्टील वेट निकालने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा, जिसका सूत्र होता है आपका डी स्क्वायर अपॉन 162। ओके दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग आप कितना भी बड़ा एमएम हो आप उसको निकाल पाओगे। तो दोस्तों इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं जो आपके बार्स होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, मिनिमम भी देखेंगे और मैक्सिमम भी देखेंगे। आपको मैं एक एक करके निकाल के दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, स्टील बार देख लेते हैं हम कौन कौन सी एमएम के होते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट होता है आपका 8 एमएम, सेकंड होता है आपका 10 एमएम, और ये देखिए दोस्तों 12 एमएम, 16 एमएम, 20 एमएम, 25 एमएम, दोस्तों ये आपके चलते रहेंगे 32 एमएम, 36, 40 एमएम, 46 एमएम, और ये देखिए दोस्तों आपका ये 46 पर आकर आपका ये मोर देन समाप्त हो जाएगा ये। ओके दोस्तों, जो मैं आपको विशेष बात में बता देता हूँ, आपकी ये विशेष बात ये है, ये जो है आपका ये 25 एमएम से लेकर 25 एमएम टू 36 एमएम, ये जो है आपका, ये आपका कॉमन रहेगा। ओके कॉमन, और दोस्तों 8 एमएम से 10 एमएम, 8 एमएम टू 10 एमएम, ये आपको स्ट्रिप में प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रिप। ओके, जिसको हम जाल बोलते हैं, जाल में डालते हैं। ओके, डिस्टेंसिंग बार के लिए। ओके, और मेन बार के लिए आप 10 एमएम या 12 एमएम का बार्स डालते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट ऑफ स्टील वेट। ओके, तो इसमें हम देखते हैं वन बार स्टील वेट, यानी कि एक बार का निकाल के देखते हैं हम, और फिर हमें जितनी बार के लिए चाहिए उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र होता है डी स्क्वायर अपॉन 162। तो हम इसमें फाइंड करते हैं सबसे पहले 8 एमएम का। ओके, ये देखिए 8 एमएम का निकालते हैं, तो डी स्क्वायर
डी क्या है आपका डाया, डाया कितना है 8, 8 का स्क्वायर अपॉन 162, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों कैलसी, कैलसी आपके पास होना कंपल्सरी होना चाहिए। ये देखिए कितना है आपका 64/162, यह है आपका 0.39। ओके दोस्तों 0.39 ये किस में होगा आपका, ये होगा आपका केजी में, एक बार का बेड है दोस्तों केजी में। ओके केजी में होगा ये आपका। और दोस्तों अगर आपसे कोई और पूछने लगे कि आप बता के दिखाइए कि चार सरिये का, पांच सरिये का, बार का, ओके तो आप ऐसी इसी प्रकार निकाल के दिखा दोगे। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 mm का निकाल के देख लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों डी स्क्वायर अपॉन 162, डी कितना है डाया आपका 10 का स्क्वायर अपॉन 162, तो इसका बेड देखते हैं दोस्तों कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 100/162, देखिए दोस्तों 0.61 kg। ओके इसी प्रकार दोस्तों 12 का निकाल लेते हैं, 12 का डी स्क्वायर अपॉन 162, तो देखिए दोस्तों डाया आपका 12 mm अपॉन 162, तो इसी प्रकार दोस्तों इसका भी निकाल लेते हैं हम, 12 का स्क्वायर 144/162, यह है आपका 0.88 kg। इसी प्रकार दोस्तों हम 16 mm का निकाल लेते हैं, 16 mm, तो ये देखिए दोस्तों डी स्क्वायर अपॉन 162, तो डाया कितना दे रखा है हमें 16 का स्क्वायर अपॉन 162, तो ये देखिए दोस्तों 16 का स्क्वायर ये आया आपका 256 अपॉन 162, 1.58 kg। ओके इसी प्रकार दोस्तों हम 20 का निकाल लेते हैं। दोस्तों ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ओके आप भी एक से दो बार निकालोगे आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए 20 का स्क्वायर अपॉन 162, देखिए दोस्तों 20 का स्क्वायर अपॉन 162, 2.46 kg। दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये दोस्तों 5 से 6 नंबर में आता है आपका। तो ये देखिए दोस्तों डी स्क्वायर अपॉन 162, तो ये है 25 का स्क्वायर अपॉन 162, ये देखिए दोस्तों 25 का स्क्वायर अपॉन 162, ये आपका 3.85 kg। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार जैसा कि हमने निकाला आपके लिए, इसी प्रकार आपको भी निकाल के दिखाना है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 32 mm और 36 mm, 40 mm और 46 mm। ओके दोस्तों ये बेट आपको निकाल के दिखाना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इनके आंसर कितने हैं, कितने आएंगे। चलिए दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया था, जैसा कि हम 8 mm का हमने बेट निकाला था, 8 mm का बेट आया था हमारा, ये देखिए कुछ इस प्रकार 8 mm का बेट आया था हमारा, एक बार का बेट आया था हमारा 0.39। ओके 0.39 आया था आपका, कितना था 0.39 kg। तो दोस्तों उसमें हमसे पूछ लेता है 2 bar find out बेट स्टील। ओके दोस्तों हमसे ये पूछ लेता है ये
तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए दोस्तों 0.39 ओके इनटू 2 ओके दोस्तों, एक बार का हमें पता है इतना वेट है 8 mm के लिए, 8 mm बार के लिए, तो 2 बार का हो जाएगा आपका ये, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये देखिए दोस्तों 0.39 इंटू 2 तो आ गया आपका 0.78 kg ओके दोस्तों। तो ये आपका कोई सी भी आपसे बार बूझ ले आपको ये याद करनी पड़ेगी, ओनली आपको डी स्क्वायर अपॉन 162 इस फॉर्मूले से आप किसी भी बार का, किसी भी TMT बार का वेट निकाल सकते हो ओके। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये देखिए आपने देखा होगा बार पर, ये देखिए ये बार है आपकी, यहाँ पर आपका लिखा रहता है HYHT ओके, ये देख दे रखा होता है, तो ये होगा आपका हाई यार्ड स्ट्रेंथ डायमीटर ओके, इसका मतलब ये होता है दोस्तों याद रखना। एक बार और बताता हूँ मैं, हाई यार्ड लिख देता हूँ दोस्तों स्ट्रेंथ डायमीटर ओके दोस्तों, मैंने ये लिख दी है जिससे कि आप भूलो ना, इसको आप भी लिख लेना ओके। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइबर ना किया तो सब्सक्राइबर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, सिविल इंजीनियर स्टडी पर जाकर इसको लाइक एंड शेयर करें ओके दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।